इनके लिए पहला जी रिश्ते नहीं है, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड. हाँ, हमारे लिए पहला जी रिश्ते अवार्ड है. सो या वी आर एक्साइटेड एंड हम हमारे फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि हम हमारी पूरी फैमिली को एक साथ स्टेज पर देखना चाहते हैं. सो वी आर विशिंग के वी आर टुगेदर. डेफिनेटली एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है एंड इन फैक्ट हम सब जी से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से. बचपन में जी देखा करते हैं, अब जी में काम करते हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग. और जस्ट तो हमारा 15 दिन पहले से ही शुरू हो गया है, अब चल ही रहा है, तो हम खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं. हम खुशियाँ मना के आए हैं, यहाँ खुशियाँ मनाने आए हैं. गर्ल्स ये गाना गाने वाली है, बहुत अच्छी सिंगर है. हाँ, हमारी दामिनी बहुत अच्छी सिंगर है और हमारे मैम भी बहुत अच्छे सिंगर हैं. आई हैव टू से दैट वी हैव अ वेरी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक फैमिली, वेरी टैलेंटेड परिवार. यस, टू लाइंस टुगेदर. आई हां कोरस टुगेदर. चलो डार्लिंग लेट्स सिंग. नाइस वॉइस बाय द वे. शो का टाइटल क्या गा? राधा मोहन राधा मोहन, यही है शो का टाइटल. यू स्टार्ट विल. हाँ हाँ, यू स्टार्ट विल जॉइन. डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना मुझको प्यार करने दो. बेकैफ है बाहर बेचैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो. सी व्हेन वी से वी प्रूव इट दैट वी आर गुड सिंगर्स. वैसे इंसानों की एक्सपेक्टेशंस तो कभी कम होती नहीं, तो हम तो चाहेंगे कि सारे के सारे हमें मिल जाए. हम क्यों कम एक्सपेक्ट करें भाई. सारे हमको ही दे तो हम डिजर्व करते हैं, वी आर वेरी गुड. बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स वी एक्चुअली समवेयर आर रूटिंग कि अगर हमारे परिवार को जी सबको अवार्ड मिले और हम सब मिलके स्टेज पर जाए, वो बहुत खुशी की बात है हम लोग. वो फील ही अलग होती है जब सारा परिवार एक साथ चल के सबके सामने खड़ा होता है. बहुत कुछ है. जब हमने आपको इतना एंटरटेन किया है और इतना एक्साइटमेंट दिया है हर एपिसोड में, तो डोंट वरी, द पैकेज इज स्टिल मोर स्ट्रॉन्गर, मच बेटर. थैंक यू, थैंक यू. Hi.
बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ये अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ। ऑल्दो मैंने जी के साथ मेरा एसोसिएशन जो है वो बहुत पुराना है, कई सारे शोज कर चुका हूँ मैं, दिस इज़ द फिफ्थ शो दैट आई एम डूइंग, पर हाँ मुझे पहली बार फुल फ्लेज आने का मौका मिला है और इससे स्पेशल बात मेरे लिए नहीं हो सकती क्योंकि जी इस बार 30 साल अपने कम्प्लीट कर रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हम्बल्ड। ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है, हर कोई एक्टर चाहता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए और उसे प्यार दिया जाए। बेसिकली हर एक एक्टर जीता ही उस चीज़ के लिए कि, और वही चाह रहा होता है हमारे लिए। तो जब ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया एज अर्जुन सूर्यवंशी, सो आई वाज वेरी रियली वेरी हैप्पी एंड आई फील ब्लेस्ड कि वो मुझसे इतना प्यार करता है। येस आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर, फेवरेट जोड़ी, फेवरेट शो एंड नया सदस्य। मुझे से लगता है शायद नया सदस्य मिलना चाहिए, शायद, आई डोंट नो। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी हो रही है क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, बट इतना श्योर है कि जो भी होगा यू नो आई विल गो ऑल आउट, खूब सारी मस्ती करूँगा और जितना इम्प्रॉम्प्टू हम चीज़ें कर सकेंगे स्टेज पे वो करेंगे। और आई हैव हर्ड कि यू नो पिछले जी रिश्ते अवार्ड्स में भी बहुत सारी मस्तियाँ हुई हैं वगैरह, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक्चुअली हमारे शो का जो थीम था वो ग्रे था, सो दैट इज़ वाई एम वेयरिंग ग्रे स्ट्राइप्स, ग्रे एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, और स्ट्राइप्स मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स मैं बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, सो ये मुझे अगेन स्ट्राइप्स पहनने का मौका मिल गया एंड प्लस आई एम वेयरिंग भरत एंड रेशमा, सो द क्रेडिट गोज टू देम। और मुझे ये सूट बहुत ही अच्छा लगा, देखते ही मुझे अच्छा लग गया, सो इसलिए मैंने जैसे ही इसको देखा इसे डन कर दिया। थैंक यू। वेल इन कुंडली भाग्य द कैरेक्टर ऑफ राखी बहुत ही पॉजिटिव मदर है और इमोशनल है, तो आज मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज देके आई सेड लेट मी मॉडर्नाइज माई सेल्फ बीइंग इंडियन स्टिल, तो थोड़ा सा अपने लुक के साथ प्ले किया है, तो आई होप यू गाइज लाइक इट। Oh yes, I wish ZTV a very happy 30th anniversary. Bhagwan kare that they reach the highest levels in life. Ye 30, Bhagwan kare aur zyada bade, and I'm looking for a century very soon. सच कहूँ तो बहुत इमोशनल होती हूँ जब मुझे मैसेजेस आते हैं और मेरे फैंस कहते हैं कि वी लव राखी माँ, बिकॉज़ मेरा इमोशंस जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो मुझे एक्चुअली ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि असलियत में इन रियल लाइफ मैं वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो आई फील अब जो मेरा किरदार अर्जुन के साथ निखर के आया है एक माँ का, दैट आई एम overwhelmed with my son, so I'm really very happy and thank you guys for all your love and support, kyunki hum agar yahan hain to aap log ki wajah se hum yahan hain, thank you and keep appreciating us, thank you.